जो है बिहार में मॉनसून पूरी तरह से एक्टिव है और हर दिन बारिश हो रही है, जिसके कारण लोगों का जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त है। और अभी हम जहाँ पे ये शूट कर रहे हैं वहाँ पे अभी देखा जा सकता है कि बारिश कितनी तेज़ हो रही है। दरअसल लोग जो है घरों से निकलना परेशानी का सबब बन गया है। और 15 अगस्त है, लोग थोड़ा आज इंडिपेंडेंस डे को एंजॉय कर रहे थे, लेकिन बारिश ने सारे ये पे पानी फेर दिया और काफ़ी बारिश हो रही है। लोग अपने घरों में हैं और कुछ जो बाज़ार के लिए निकले थे वो कहीं इधर उधर छुप कर जो है शेल्टर लिए हुए हैं। बारिश काफ़ी तेज़ हो रही है। हम बात करें नदियों को तो नदियाँ जो है बिहार में सारी नदियाँ उफान पर हैं। हालांकि किसानों के लिए एक अच्छी खबर है कि उनके खेत में पानी है और कहीं ना कहीं धान की रोपनी पूरी तरह से अभी पीक पोजीशन पर है, लोग खेतों में काम कर रहे हैं। वहीं अगर हम बात करें मौसम विभाग के तो मौसम विभाग ने पूरी तरह से चेतावनी दे रखी है कि आने वाले 3-4 दिनों तक लगातार कई शहरों में बारिश होगी, जिनमें राजधानी पटना है, गया है, रोहतास है, मुजफ्फरपुर है, और हम बात करें नवादा की, इन जगहों पे काफ़ी बारिश हो रही है। और इसके कारण जो है पूरी तरह से मौसम तो हालांकि खुशहाल है, लेकिन बारिश के कारण लोग थोड़ा परेशान भी हैं। बिहार से ANB के लिए मैं सुरेश मिथर। 78वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर आज जिला कलेक्ट्रेट में जिलाधिकारी के द्वारा ध्वजारोहण किया गया और साथ ही उनके राष्ट्रगान पर का भी गुणगान किया गया। उसके बाद अगर बात करें हम अलीगढ़ ज़िले की तो अलीगढ़ ज़िले भर में देहातों से लेकर और शहर तक बिल्कुल तिरंगा यात्रा की रैलियां भी निकाली गई और साथ साथ स्कूल के बच्चों के द्वारा भी रोड पर भव्य झांकियों के साथ देशभक्ति गीतों पर भी डांस परफॉर्मर और कर्तव्य करते हुए नजर आए। अगर हम बात करें 78वें गणतंत्र दिवस पर तो कहीं बच्चों में काफ़ी भारी उत्साह देखने को मिला, तो शहर की बात करें तो शहर में भी कहीं ना कहीं उत्साह देखने को मिला। अगर हम बात करें तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में भी एक मुद्दा सामने आया जहां पर छात्रों के द्वारा तिरंगा 78वें स्वतंत्रता दिवस को लेकर प्रोग्राम किया जा रहा था, जिसको लेकर AMU प्रशासन के द्वारा वह प्रोग्राम को रुकवा दिया गया, क्योंकि उनका कहना था कि यह प्रोग्राम जिसके लिए अनुमति लेनी होगी। अगर जब ही छात्रों के द्वारा बात करी तो छात्रों का कहना था कि भारत में रहकर और AMU के अंदर क्या तिरंगा को लेकर किसी जैसे आज 15 अगस्त है उसको लेकर क्या हमें परमिशन लेनी पड़ेगी, भारत में रहकर क्या कोई हम किसी अन्य देश का प्रोग्राम तो कर नहीं रहे हैं, और बात कर रहे हैं तो हम कर रहे हैं अपने भारत के, जहां पर आज 78वें गणतंत्र दिवस को स्वतंत्रता दिवस को लेकर जो प्रोग्राम भव्य किया जा रहा था उसको लेकर हम आज़ादी का जश्न मनाने की बात करें तो वहीं पर AMU के प्रशासन ने भी उनको प्रोग्राम करने से रोक लगाई। सुरेंद्र, उसके अवसर पर पूरे देश में हर्षोल्लास के साथ राष्ट्रीय पर्व का वो मनाया जा रहा है, और उसी कड़ी में हम लोग जनपद अलीगढ़ में भी कलेक्ट्रेट परिसर में कलेक्ट्रेट परिवार के समस्त साथियों के साथ राष्ट्रीय पर्व का आयोजन कर रहे हैं। मैं सबसे पहले जनपद अलीगढ़ के सारे निवासियों को राष्ट्रीय पर्व के अवसर पर सुनम दिवस की शुभकामनाएँ देता हूँ, और जैसे हम लोग यहाँ पे कलेक्ट्रेट परिवार को बना रहे हैं, इसी प्रकार जनपद के हर एक कार्यालय में, हर एक विद्यालय में और हर एक शहीद स्मारकों में इस राष्ट्रीय पर्व का आयोजन किया जा रहा है। जनपद वासियों को मैं 15 अगस्त का शुभकामनाएं देता हूँ। अलीगढ़ से ANB न्यूज़ के लिए आशीष वार्षण। नमस्कार, खबर यूपी के बुलंदशहर से है, जहां पर आपको बता दें थाना औरंगाबाद क्षेत्र में पड़ने वाला गांव चरौरा मुस्तफाबाद गढ़ी की ये घटना है, जहां पर एक पत्रकार को अपना काम करना भारी पड़ गया। वहां के कुछ दबंग लोगों ने जैसे उनकी खबर को उठाना उस पत्रकार को भारी पड़ा। उस समय जिस समय दबंगों ने मिलकर के उस पत्रकार के परिजनों पर धारदार हथियार से हमला कर दिया, जिससे पत्रकार का बड़ा भाई और पत्रकार के साथ परिवार की फैमिली दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए। अब उन घायलों को अस्पताल के लिए भर्ती कराया, जहां पर उनके इलाज के लिए CSC के बाद में उनको हायर सेंटर रेफर किया गया, जहां पर उनका इलाज चल रहा है। उसके पत्रकार के बड़े भाई की हालत विशेष रूप से गंभीर रूप से घायल है और अभी उसकी हालत जो है वो नाजुक बनी हुई है। साथ ही आपको बता दें कि आज की डेट में प्रशासन जिस तरह से दावे भरता है कि पत्रकार की सुरक्षा की बात जिस तरह करता है, जिस तरह में कोर्ट के आदेश के बावजूद भी आज सरकार किस तरह से एक्शन ले रही है, सरकार का खौफ, पुलिस का खौफ, खाके का खौफ भी आज ऐसे दबंगों के अंदर देखने को नहीं मिलता। आज इस तरह से किस तरह से आज पत्रकार स्वतंत्र होकर के किस तरह से अपने काम को अंजाम देंगे, किस तरह से अपने काम को निभाएंगे, अपनी ड्यूटी किस तरह से वो लोग कर पाएंगे, क्या पुलिस से इस परिवार को प्रोटेक्शन मिलेगा या पुलिस किस तरह की कार्रवाई इस परिवार को देगी। फिलहाल पत्रकार की
जो परिवारजनों की हालत है वो बहुत नाजुक है। फिलहाल पुलिस की जिस तरह से कार्रवाई, पुलिस की जिस तरह कार्यशैली है, क्या लगता है कि पुलिस से जो मदद होने वाली होगी, जो पत्रकार की प्रोटेक्शन की बात होती है, जिस तरह से पत्रकार पर आए दिन हमले होते हैं, उस तरह से सवाल सरकार और पुलिस पर आए दिन लगते रहते हैं, देखने वाली बात होगी कि इस परिवार को फिलहाल कितना रिलीफ पुलिस की तरफ से, प्रशासन की तरफ से मिल पाएगा। नाम है आपका और जिला अस्पताल है, क्या पूरा मामला है? मेरा नाम कासिम अहमद है, मैं दैनिक समाचार पत्र से औरंगाबाद से संवाददाता हूँ। आज मैं और मेरे साथी कवरेज कर रहे थे, तभी अचानक मेरे पास घर से फ़ोन आया कि कुछ लोगों ने मेरे भाई और मेरी माताजी पर हमला बोल दिया है, जिन पे तलवार भी थी, फरसे भी थे, धारदार हथियार थे। अब जैसे ही सूचना पे हम दोनों वहाँ पहुँचे तो सिर्फ मैं वहाँ जाके खड़ा ही हुआ, तभी कम से कम 10-12 लोग आ गए, उन्होंने मुझे घेर लिया और घेरने के बाद उन्होंने गिरा गिरा के मुझे भी पीटा। मेरे हाथ में चोट आई है, मुझे 3 उल्टियाँ हुई हैं और मेरे भाई को बेहोशी हालत में जिला अस्पताल लेकर आया हूँ। 112 पुलिस को हमने सूचना दी। तो इस मामले में तहरीर दी आपने थाने में? अब यहाँ से जिला अस्पताल रेफर किया था, यहाँ से जाके तहरीर दे दी। जनपद बुलंदशहर से मैं उदय यादव, ANV न्यूज़ के लिए। रायबरेली में 78वां स्वतंत्रता दिवस बड़ी ही धूमधाम से मनाया गया। रायबरेली की जिलाधिकारी हर्षिता माथुर ने रायबरेली के कलेक्ट्रेट परिसर में झंडारोहण किया, तो वहीं उत्तर प्रदेश सरकार के राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार दिनेश प्रताप सिंह ने रायबरेली के पुलिस लाइन में झंडारोहण किया, तो वहीं पुलिस सेवा में उत्कृष्ट कार्य करने वाले पुलिस कर्मियों को राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार दिनेश प्रताप सिंह ने सम्मानित भी किया। तो वहीं रायबरेली के शहीद स्मारक पर राज्य मंत्री ने एक हाल बनाने की भी घोषणा की। राज्य मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने कहा कि हाल बन जाने से बारिश में कार्यक्रम प्रभावित ना हो, जिससे यहां एक हाल बन जाएगा तो लोगों को सुविधा होगी और कार्यक्रम भी आसानी से अच्छी तरह हो पाएंगे। रायबरेली की जिला अधिकारी ने लोगों से अपील की कि देश की स्वतंत्रता में अपने प्राणों को न्यौछावर करने वाले स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के प्रति देश के लोगों को अपना कृतज्ञता ज्ञापित करनी चाहिए और उनके प्रति सम्मान का भाव रखना चाहिए। वीडियो जर्नलिस्ट मनोज के साथ अमर प्रताप सिंह, ANV न्यूज, रायबरेली। तो जनपद फिरोजाबाद के विकासखंड 1 का प्राथमिक विद्यालय गदनपुर पे खड़ा हूँ और देखिए यहाँ सालों से इस स्कूल की जो स्थिति है, देखिए मैं अपने कैमरा पर्सन को एक बार यहाँ दिखा दीजिए। ये मुख्य गेट है, दरवाजा है, यहाँ से नौनिहाल बच्चे, और देखिए सरकार का दावा ये है कि जब बढ़ेगा पढ़ेगा बच्चा तभी तो बढ़ेगा, तो देखिए ये बच्चे नौनिहाल कैसे पढ़ेंगे और कैसे पढ़ेंगे। देखिए मैं अपने कैमरा से एक बार इधर दिखा दीजिए, देखिए यहाँ से ये छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे यहाँ से होकर निकलते हैं। यहाँ देखिए पूरी घास और यहाँ एकदम, अभी तो ज़्यादा बारिश नहीं हुई है, जब ज़्यादा बारिश हो जाती है तो काफ़ी पानी यहाँ हो जाता है, और वहाँ एक एक क्लासरूम में अभी मैंने जाके देखा तो पानी छत से टपक रहा है। तो निश्चित रूप से देखिए मैं अपने कैमरा पर एक बार यहाँ दिखा दीजिए, देखिए लेटरिन का हाल बुरा है, यहाँ कोई भी जहरीला जानवर बच्चों को कुछ भी नुकसान हो सकता है, इसकी जिम्मेदारी आखिरकार किसकी है? वहीं जो इसके जिम्मेदार हैं, जो यहाँ पढ़ाने वाले हैं, वो हाथ पे हाथ धरे रहते हैं और यहाँ लगभग 60-70 बच्चे पढ़ते हैं और 2 टीचर हैं, एक शिक्षा मित्र है, यहाँ स्टाफ पूरा है, लेकिन कोई भी इतनी उन शिक्षकों के भी इतना मानवता नहीं है कि कम से कम 100-200 रुपए मजदूर को देकर ये जो घास यहाँ खड़ी हुई है इसे साफ किया जा सकता है, लेकिन उन्हें कोई चिंता नहीं है। अब ये देखने वाली बात होगी कि ये आखिरकार ये स्कूल इसी स्थिति में रहेगा। यहाँ जो बच्चे हैं, जो आसपास के जो ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे हैं बेचारे, इस मतलब इस दलदला नुमा रास्ते से होकर उन्हें वहाँ तक स्कूल शिक्षा प्राप्त करने के लिए जाना पड़ता है, तो निश्चित रूप से इसमें एक बड़ी लापरवाही सामने आ रही है और कहीं ना कहीं कभी भी कोई हादसा हो सकता है। और देखिए जिस तरह से मैंने उस विद्यालय का जो उसमें से पानी टपक रहा है, तो निश्चित रूप से कभी भी विद्यालय की छत बैठ सकती है, तो इस पर एक बहुत बड़ा एक नुकसान हो सकता है, इसमें क्षति हो सकती है। तो इस पर इस जो खबर के चलने के बाद शायद प्रशासन जागे और इस पर कोई एक्शन ले। मैं अपने सहयोगी कैमरा पर्सन के साथ राज प्रभाकर। आप क्या यहीं के रहने वाले हैं? कौन सा गांव ये? राहुरी। राहुरी, अच्छा जी,
ये जो स्कूल है ये गदनपुर में क्यों? हाँ गदनपुर ही है वो। अच्छा ये गदनपुर में ही लगता गदनपुर है। अच्छा ये बताइए जो इसके जो हाल हैं ये बत्ते बत्तर कब से हैं, कितने दिनों से हैं? दो साल तो हो गए। दो साल हो गए लगभग। दो साल हो गए। कितने बच्चे आते हैं यहाँ पढ़ने? 60-70 बच्चे कहाँ आते हैं यहाँ? आते नहीं लेकिन हैं इतने कम आते हैं। कम आते हैं। टीचर कितने हैं यहाँ? टीचर तो दो तो टीचर हैं, ये तो शिक्षा में तीन हैं। तीन लोग हैं। रसोईया है, रसोईया आंगनवाड़ी वाले भी, आंगनवाड़ी भी हैं। अच्छा ये जो स्कूल चू रहा है पानी ऊपर से टपक रहा है तो कितना बुरा हाल है, ये तो कभी भी छत गिर सकती है, बहुत बुरा हाल, कोई भी हादसा हो सकता है, पानी का निकास नहीं है, ये सब कोई सुनवाई नहीं होती, सुनवाई कोई नहीं। अच्छा आप लोग भी नहीं कहते आपके बच्चे पढ़ते हैं यहाँ? हम लोग क्या करते तो हैं, हमारे बच्चे तो अभी बाहर पढ़ रहे हैं, घर में बाहर पढ़ रहे हैं, लेकिन बोलते तो हैं, लेकिन जो आसपास के यहाँ के बच्चे नहीं पढ़ते? वो तो आते हैं पर यहाँ पानी भर जाता है, नहीं बेचारे नहीं आ पाते हैं, का पानी मुकान आएगा वो, इसीलिए। क्या नाम है आपका? जयपाल। आप क्या यहीं रहते हैं? यहीं रहते हैं। अच्छा ये जो गदनपुर विकासखंड एका जनपद फिरोजाबाद में ये स्कूल है तो यहाँ इसका जो ये हाल हो रहा है कितने दिनों से ऐसा है? इसको हो गई 1.5 साल करीब हो गई। अच्छा तो कोई इसकी जो यहाँ के जो कार्रवाई करवाई है, वो लोग आते हैं वोट वोट कर ले जाते हैं, भरे जाते हैं। अच्छा और कुछ नहीं होता है तो? अच्छा इसमें फिर बच्चे कैसे आना जाना होता होगा? इधर से ये फड़वाया फिर। अच्छा ये थोड़वा दिया लेकिन ये नहीं हुआ कि मिट्टी डाल के मिट्टी नहीं भर रही, मिट्टी नहीं पानी भर जाता है इसके अंदर। तो कितने बच्चे पढ़ते हैं यहाँ? 70-80 बच्चे होंगे। तो आस पास के आते हैं? हाँ ये सब लोग आते हैं बच्चे। अच्छा आज आया कोई 15 अगस्त? आए थे अभी, अभी चले गए, अभी 5-10 मिनट वही है। अच्छा अभी गए लेकिन जैसे इसमें जैसे कोई यहाँ का, अच्छा यहाँ देखिए ये नल भी पड़ा हुआ है वो समर है, तो वहाँ कैसे पानी जाएगा वहाँ? तो निकलते पानी को है लैटरिंग लड़कियाँ हों तो उनका तो पूरा पानी है नहीं। अच्छा अच्छा ये बताइए जिस तरह से ये घास वगैरह पड़ी है तो इसके लिए भी नहीं वहाँ के शिक्षक को सोचते? वो बहुत बोल रहे हैं बेचारे, वो क्या करें, आते ही नहीं आते, फोटो फोटो करा इसका, वो लोग चले जाते हैं फिर अपना अपना वो करें। कोई सुनवाई नहीं करने, सुनवाई नहीं कोई करने। मैं अपने सहयोगी कैमरा पर्सन के साथ राजदीप प्रभाकर, एनवी न्यूज़ फिरोजाबाद। यौम आज़ादी की सबसे बड़ी तकरीब जो है श्रीनगर के पक्की स्टेडियम में मुनक़द हुई, जहां पे एलजी मनोज सिन्हा ने परेड पर सलामी लेकर झंडा लहराया। इसी तरह की तकरीब जो है नॉर्थ कश्मीर के कुपवारा में भी मुनक़द हुई, जहां पे डिप्टी कमिश्नर कुपवारा के साथ साथ बीबीसी चेयरमैन कुपवारा इरफान पंडित पुरी ने परेड पर सलामी लेकर झंडा लहराया। वजह रहे हंदवारा में भी इस तरह की तकरीब मुनक़द हुई, जहाँ पे ADC हंदवारा अब्दुल अजीज रतर ने परेड पर सलामी दी। जनपद ललितपुर के कस्बा महरौनी में स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर नगर पंचायत महरौनी द्वारा अमर शहीद राजेंद्र शुक्ल पार्क में ओपन जिम का शुभारंभ किया गया। नगर वासियों के स्वस्थ शरीर फिटनेस बनाए रखने के लिए यह एक प्रयास है और इससे नगर एवं क्षेत्र के कई बच्चे युवा बुजुर्ग और महिलाएं लाभान्वित होंगी, इसी मंशा से यह पहल की जा रही है। SDM महरौनी राज बहादुर, तहसीलदार महरौनी, नगर पंचायत अधिशासी अधिकारी साक्षी साहू, अध्यक्ष प्रतिनिधि दुष्यंत बड़ोनिया, नगर पंचायत के पार्षदगणों एवं नगर के गणमान्य लोगों की उपस्थिति में सर्वप्रथम शहीद प्रतिमा के समक्ष पुष्पांजलि अर्पित की गई, तत्पश्चात विधिवत फीता काट कर ओपन जिम का उद्घाटन किया गया। यहां नगर पंचायत द्वारा कई ऐसे उपकरण लगाए गए हैं जिनको लेकर यहां बच्चों में काफी उत्साह देखा जा रहा है। बच्चे इनमें एक खेल का साधन भी मान रहे हैं तो वहीं उनके फिटनेस बनाए रखने के लिए यह एक अच्छा माध्यम साबित हो सकते हैं। इस अवसर पर अध्यक्ष प्रतिनिधि एवं अधिशासी अधिकारी द्वारा अवगत कराया गया कि नगर में लंबे अरसे से ओपन जिम की आवश्यकता महसूस की जा रही थी, इसको लेकर नगर पंचायत काफी उत्साहित है और इसके रखरखाव के लिए विधिवत कुशल ट्रेनर भी रखे गए हैं जिनकी देखरेख में ही
यहाँ पर स्थापित किए गए उपकरणों का उपयोग किया जाएगा। ओपन जिम के उद्घाटन अवसर पर सभी ने हर्ष जाहिर किया है और इस पहल के लिए शुभकामनाएं ज्ञापित की गई हैं। एएनबी न्यूज के लिए ललितपुर से सहयोगी शैलेंद्र नायक के साथ सूर्यकांत त्रिपाठी की रिपोर्ट। शारीरिक स्वास्थ्य युवाओं को, वृद्धजनों को, महिलाओं को, बच्चों को, सभी को प्रदान करने के लिए यह ओपन जिम फर्स्ट लगाई गई है। अभी दो जिमों का निर्माण और होना है, एक तालाब के पास होगी जो लगभग एक महीने बाद जिसका उद्घाटन किया जाएगा, वो भी ओपन जिम है। इसी तरह के ओपन इक्विपमेंट लगेंगे, फिर उसके बाद जो इंडोर जिम होती है उसके लिए प्रबंध किए जाएंगे। और नगर पंचायत लगातार एक पार्क निर्माण के लिए प्रयासरत है जिसमें एक बड़ा ट्रैक हो, वॉकिंग एरिया ज़्यादा हो। अभी जो संसाधन अपने पास हैं उन्हीं में यह व्यवस्था की गई है। भविष्य में एक बड़ा पार्क भी नगर पंचायत नगरवासियों को देगी। सभी को अपना स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ओपन जिम का जो उद्घाटन आज हुआ ये युवाओं के लिए बहुत अच्छा है और इसमें सभी से अनुरोध है कि सभी बच्चे और जवान सुबह शाम यहाँ आए और इसका आनंद लें। जयत मेहरोनी के आदरणीय अध्यक्ष जी महोदय और आदरणीय उपजिलाधिकारी महोदय द्वारा आज यहाँ पर ओपन जिम का उद्घाटन किया गया चला। इस उपलक्ष्य में मैं युवाओं से, स्वास्थ्य लाभ लेने वाले व्यक्ति से यही अनुरोध करूंगा कि यहाँ पर आएं और यहाँ पर जो नए इक्विपमेंट्स लगे हैं उसका पूर्ण उपयोग करें और स्वस्थ रहें, क्योंकि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है। धन्यवाद।